हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग करंट अफेयर देखने जा रहे हैं 27 नवंबर का। और ये करंट अफेयर्स जो है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज, वो है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जो संविधान दिवस है उसको हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि संविधान मतलब जो गणतंत्र दिवस है वो तो मनता है 26 नवंबर को, तो फिर संविधान दिवस हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनता है, तो हम लोग संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को क्यों मना रहे हैं। देखिए, संविधान को 26 नवंबर के दिन अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी को। तो इसको लागू 26 जनवरी को किया गया था, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर को, इसीलिए संविधान दिवस हम लोग हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं। इसी दिन हम लोग एक और दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ये दुग्ध दिवस किससे एसोसिएटेड है, वर्जिन कुरियर, जो भारत में श्वेत क्रांति जो व्हाइट रेवोल्यूशन वर्जिन कुरियर के द्वारा लाया गया था, और 26 नवंबर को ही वर्जिन कुरियन का जन्म दिवस है, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2018 में जो मनु भाकर ने व्यक्तिगत श्रेणी में कितने मीटर जूनियर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो वो जीता 25 मीटर की जूनियर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। फिर अगला सवाल है, किस पटकथा लेखक को आई एफ एफ आई क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ इंडिया, ये उसका कौन सा संस्करण है, ये उसका 49वां संस्करण है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अथॉरिटी फिल्म फेयर ऑफ इंडिया का ये 49वां संस्करण है। और इसको कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है गोवा में। इससे पहले भी हम आपको बता दिए थे कि इस बार का फोकस स्टेट क्या है, फोकस स्टेट है झारखंड, और फोकस कंट्री क्या है, तो फोकस कंट्री है इजराइल, इसका फोकस कंट्री इजराइल है। तो विशेष पुरस्कार पर आईएफएफआई विशेष पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, किसको, तो वो की गई है सलीम खान को। सलीम खान जो है अभिनेता सलमान खान के पिताजी हैं, सलमान खान के फादर हैं, और ये एक पटकथा लेखक है। 28 नवंबर को ये आईएफएफआई जो है वो ख़त्म होगा, जो ये महोत्सव है 28 नवंबर को ख़त्म होगा, और उसी दिन सलीम खान जी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर अगला सवाल है कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। आप कमेंट में बताइए कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, जो चुनाव आयोग है इलेक्शन कमीशन है उसका गठन कब किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में आए किस तूफान को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया है तितली। एक तूफान आया था तितली, उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घोषित किया गया है। एक और तूफान आया था गाजा, कमेंट करके बताइए गाजा तूफान किस क्षेत्र में आया था। उसके बाद अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र ने यूपी के किन शहरों को ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी में चुना है, तो संयुक्त राष्ट्र ने यूपी के दो शहरों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों को ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी के रूप में चुना है। ठीक है, अब आप बताइए कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी में है, यूपी में टोटल कितने जिले हैं, जिलों की संख्या बताइए कि यूपी में टोटल कितने जिले हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि आईएफएफआई 2018 में
किस फिल्म मेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डैन वोलमैन को। डैन वोलमैन इजराइल के एक फिल्म मेकर हैं, इजराइल के फिल्म मेकर हैं, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, किसमें? इंटरनेशनल फिल्म फेयर ऑफ इंडिया में, इंडिया के जो महोत्सव चल रहा है उसमें। फिर अगला सवाल है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में एंथम सॉन्ग किस संगीतकार द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया ए आर रहमान के द्वारा। और ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप हो रहा है, ये हो रहा है उड़ीसा में, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल से हैं, नवीन पटनायक। कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये आप कमेंट करके बताइए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि जो करंट अफेयर, कुछ और ऐसा करंट अफेयर है जिसको इंक्लूड करना चाहिए था इस वीडियो में, तो कमेंट कर दीजिए, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। आपका कमेंट सबसे आगे रहेगा। थैंक यू।